हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल NU सिविल सर्विसेज पर। दोस्तों, परीक्षा मंथन एक करंट अफेयर सीरीज़ चल रही है 2020 की। अपकमिंग एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो है ये सीरीज़ चलाई जा रही है। UPPCS का एग्ज़ाम है, UPSC का एग्ज़ाम है, और भी RO का एग्ज़ाम है, तो उसी को ध्यान में रखकर ये सीरीज़ चलाई जा रही है। काफ़ी वीडियोज़ आ चुके हैं। जैसे अगर टॉपिक की बात की जाए, सेगमेंट की बात की जाए, तो इंटरनेशनल इशूज़, नेशनल इशूज़, साथ ही साथ इकोनॉमी, लॉ एंड जस्टिस, और उसके अलावा साइंस एंड टेक चल रहा है। साइंस एंड टेक जो है दोस्तों, आज जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे एनवायरनमेंट परीक्षा मंथन में। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिए कि जैसे ही मैं वीडियोज़ को अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें। ठीक है, और अगर आप पिछली वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। बाकी चैनल पर जाके वहां से प्लेलिस्ट है, आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज जो टॉपिक, आज ये साइंस एंड टेक कंप्लीट हो जाएगा, तो आज जो टॉपिक है दोस्तों, पहला ये मंगल पर नासा का इनसाइट मिशन। इसमें बताया कि नासा ने जो है मंगल ग्रह पर भेजे अपने इनसाइट लैंडर मिशन से जुड़े 6 जो है रिसर्च उन्होंने जो है पब्लिश किया था, प्रकाशित किया था, जिसमें जो है 5 पत्र, जेयर जो है इस पब्लिकेशन का नाम है, जेयर जेयर पत्रिका में, जबकि एक शोध पत्र नेचर जियो साइंस में प्रकाशित हुए। मतलब इसमें जो है जेयर पत्रिका में 5 और नेचर जियो साइंस में जो है 1 जो इनका रिपोर्ट है पब्लिश हुआ था, जिसमें ये बताया गया कि मंगल ग्रह पर तेज धूल भरी आंधियों के अलावा भूकंप आने तथा अज्ञात चुंबकीय तरंगों का पता चलता है, जो मंगल ग्रह को एक जीवंत ग्रह होने का संकेत देते हैं। अब दोस्तों इनसाइट मिशन है क्या, इसमें क्या बताया गया। इनसाइट लैंडर मिशन को नासा द्वारा 5 मई 2018 को प्रक्षेपित किया गया था, जो 26 नवंबर 2018 को मंगल ग्रह की एलिशियम प्लानेशिया नामक स्थल पर उतरा था। ठीक है, इनसाइट ऐसा पहला अंतरिक्ष मिशन है जिसे मंगल ग्रह की सतह पर नीचे की संरचना ज्ञात करने हेतु प्रक्षेपित किया गया है। इनसाइट लैंडर में मंगल ग्रह पर आने वाले भूकंपों को चिन्हित करने हेतु एक भूकंप मापी यंत्र, जिसे सिस्मोमीटर सिस्मोमीटर वायु की गति और दाब का पता लगाने हेतु सेंसर तथा एक मैग्नेमीटर समेत ग्रह का तापमान ज्ञात करने हेतु एक ताप प्रवाही जो ये यंत्र है ये लगाया गया है। मंगल पर भूगर्भीय हलचल के जो प्रमाण मिले हैं उसके बारे में बता रहे हैं ये, कि इनसाइट मिशन में स्थापित जो अति संवेदी भूकंप मापी जो मेज़र करने के लिए जो यंत्र लगा हुआ है, ठीक है, मंगल ग्रह की सतह के नीचे हल्के तथा नियमित रूप से कंपन होने के संकेत मिलने की पुष्टि की गई है। इसमें मतलब यहाँ पे भूकंप जो है हो सकता है, यहाँ पे भूकंप हल्का फुल्का जो भूकंप जो है उसका जो है इन्होंने मेज़र किया है। मंगल पर पृथ्वी के समान प्लेट जो विवर्तनी जो है प्लेट टेक्टोनिक नहीं पाए जाते हैं। मतलब पृथ्वी के अगर पृथ्वी से कंपैरिजन करें तो यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं पाए जाते, परंतु इसके भीतर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भूगर्भीय कंपन के संकेत मिले हैं। मंगल पर सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों का भी पता चला है, मतलब यहाँ पे एक्टिव वाल्केनोज भी हैं। मंगल पर सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों का पता चला है, परंतु मंगल पर सबसे शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता जो है वो 4.0 मापी गई। ठीक है, मंगल का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें बताया गया कि इनसाइट खोजी यान जो है मिशन पर एक मैग्नोमीटर स्थापित है जिसने मंगल पर चुंबकीय तरंगों को चिन्हित किया है। अगला पॉइंट है इसी में, मंगल पर धूल भरी आंधियां भी पाई गई है। ठीक है, मंगल ग्रह पर चलने वाली हवा का दाब गति का सटीक अनुमान लगाने के साथ साथ वहाँ पर हज़ारों की तादाद में तेज धूल भरी आंधियाँ उठने की भी पुष्टि की गई है। इसकी जो कोर है दोस्तों, इसका जो मतलब इसका जो डिज़ाइन है, जो संरचना की बात की जा रही है, तो भेजे गए जो इनसैट मिशन द्वारा इसमें यह बताया कि ध्रुवीय गति से उत्पन्न होने वाले कंपन की तीव्रता जो कमापन हेतु यान पर स्थापित शक्तिशाली एक्स बैंड रेडियो यंत्र से इस तथ्य को ज्ञात किया जाएगा कि मंगल ग्रह का कोर ठोस है या तरल है। ठीक है, हवाई हवाई द्वीप पर स्थापित होने वाला खगोलीय दूरबीन जो कि विवादों के घेरे में है, क्या बता रहा है इसमें। हवाई द्वीप के जो सुसुप्त ज्वालामुखी मौना की थी, जो हवाई द्वीप की जो ज्वालामुखी है उसका नाम मौना है, कि जो 3 मीटर टेलीस्कोप स्थापित करने की जो प्रस्तावित योजना है वहाँ के जो स्थानीय निवासी इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, जिसकी वजह से ये विवाद के घेरे में था। इसका मेन पॉइंट क्या है,
जो 30 मीटर टेलीस्कोप, मतलब जो 30 मीटर टेलीस्कोप टेलीस्कोप है, ये 5 देशों द्वारा जो है मिलकर बनाया गया है, ठीक है, जो संयुक्त निर्माण योजना है, जिसके अनुमानित लागत जो है $2 अरब है। जैसा कि मौना की जो ये पर्वतीय चोटी को हवाई द्वीप निवासी एक पवित्र स्थल मानते हैं, मतलब ये जो मौना की पर्वतीय चोटी है इसको हवाई द्वीप की जो निवासी लोग हैं इसको पवित्र स्थल मानते हैं। इसके अलावा इस चोटी पर कई अन्य वेधशालाएं पहले से स्थापित है। स्थानीय लोगों के एक दशक पुराने विरोध के चलते भारत ने इस दूरबीन को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की है। 5 देशों के समूह ने इस दूरबीन को अटलांटिक महासागर स्थित जो कैनारी द्वीप है वहाँ पर निर्मित करने का निर्णय लिया है। यह दूरबीन वर्ष 2025 तक क्रियाशील हो जाएगा, मतलब वहाँ 2025 तक ये एक्टिव हो जाएगा, काम करना शुरू हो जाएगा। इस दूरबीन द्वारा जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, मतलब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात की जा रही है, तथा डार्क एनर्जी के संबंध में अध्ययन किया जाएगा। अगला टॉपिक है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। इसमें ये बताया गया है कि चेहरा जो पहचान टेक्निक जो हिंदी में कहते हैं इसको, इसमें ये कहा गया है कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एक व्यक्ति विशेष की डिजिटल छवि जो इमेज होता है वीडियो फ्रेम के आधार पर पहचान करने की एक उन्नत तकनीक है, ठीक है। इसमें चेहरा पहचाने की तकनीक विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं पर काम करती है, परंतु सामान्य तौर पर यह एक उपलब्ध डेटाबेस के भीतर किसी व्यक्ति के चेहरे की छवि की चुनिंदा विशेषताओं की तुलना करते हुए कार्य करती है। इसकी बायोमेट्रिक्स जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, जो उस व्यक्ति के चेहरे के बनावट तथा आकार पर आधारित पैटर्नों के विश्लेषण से उस व्यक्ति की पहचान की जाती है। चेहरा पहचान करने की टेक्निक जो है ये, इसको जो है इस तकनीक का प्रयोग अलग अलग कार्यों जैसे इस फोन को अनलॉक करना, किसी व्यक्ति पहचान की पुष्टि करने, गुमशुदा व्यक्तियों की डिजिटल फोटो की स्वतः टैगिंग द्वारा खोज करने में किया जाता है। ऑटो टैगिंग उस यूआरएल में पैरामीटर जोड़ने वाली एक ऐसी सुविधा है जिसकी सहायता से गूगल एनालिटिक्स जैसे किसी वेबसाइट ट्रैकिंग जो निगरानी करता है कार्यक्रम का उपयोग करके अपने विज्ञापन को प्रदर्शन के ऑफलाइन रूपांतरण को रिपोर्ट को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब दोस्तों कुछ इसमें जो है शॉर्ट न्यूज़ है, ठीक है, शॉर्ट इसमें जो है टॉपिक है इम्पोर्टेंट, उसको देख लेते हैं, साइंस एंड टेक से रिलेटेड। इसमें दिया हुआ सोलर ऑर्बिट प्रोब, ये क्या होता है? दरअसल अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी जो नेशनल एरोनॉटिक जो नासा है, और यूरोपियन एजेंसी जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो ESA है, नासा और ESA ने सूर्य के ध्रुव के संबंध में अध्ययन के लिए एक सोलर ऑर्बिटर प्रोब मिशन लॉन्च किया, ठीक है, जो कि इस मिशन को फ्लोरिडा के केप कैनेवरल स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, फ्लोरिडा के जो जैसे अपने यहाँ हारिकोटा है, सतीश धवन है, ये सब जो यहाँ से लॉन्च किए जाते हैं रॉकेट, ऐसे ही फ्लोरिडा US का जो फ्लोरिडा के जो है यहाँ पे केप कैनेवरल स्पेस सेंटर जहाँ से इसको लॉन्च किया गया। गौरतलब है कि इस मिशन का उद्देश्य सूर्य की सतह पर लगातार उड़ने वाले आवेशित करोड़ और सौर हवा सूर्य के अंदर की चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना है, ठीक है, बस सही है। पृथ्वी और शुक्र से गुरुत्वाकर्षण प्रभाव का उपयोग करके या सूर्य और पृथ्वी के बीच की 95% दूरी का उपयोग करके यह ऑर्बिटर सूर्य के ध्रुव की जांच करे। आगे देखते हैं इसी में। सोलर हवा क्या होता है दोस्तों? सौर हवा जो आवेशित कण होते हैं उसका मिश्रण है, ठीक है, जो हमारे सौरमंडल से ध्रुव और बीम पर अत्यधिक केंद्रित है। ये पृथ्वी पर उपग्रह और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रभावित करता है। यादा वायरस क्या है? अगला टॉपिक, यादा वह जो वायरस दोस्तों, इसमें ये बताया गया है कि जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया कि जो ऑस्ट्रेलियाई मच्छर में पाए गए एक नए वायरस को यादा वायरस का नाम दिया गया है। यह एक अल्फा वायरस है। अल्फा वायरस जो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है के एक जीनोम के साथ छोटे गोलाकार आवरण युक्त विषाणु होते हैं। पॉजिटिव सेंस RNA वायरस में हेपेटाइटिस सी वायरस, वेस्ट नील वायरस, डेंगू वायरस और सार्स और MERS कोरोना वायरस शामिल है। विदित हो कि ये वायरस के एक ऐसे समूह से संबंधित है जिसमें चिकनगुनिया वायरस और ईस्टर्न इक्वाइन इंसेफ्लाइटिस वायरस जैसे अन्य अल्फा वायरस शामिल है। ये मुख्य रूप से मच्छरों द्वारा प्रसारित होते हैं, ठीक है। गुलदाउदी की एक किस्म है शेखर, इसमें क्या है? गुलदाउदी है क्या?
राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान जिसे नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, अब आप इसमें कमेंट करके बताइए नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेड ऑफिस कहाँ है। के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने गुलदावदी एक एक नई किस्म जो शेखर है, शिखर जो है विकसित की है, ठीक है। ये जो है इस नई किस्म को गामा विकिरण द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरण जो म्यूटेशन इंडक्शन होता है प्रक्रिया से विकसित किया गया है। गुलदावदी की इस किस्म में दिसंबर के अंत में फरवरी के मध्य तक फूल आते हैं। इसके फूलों का आकार गुंबद की तरह होता है। जाते हुए कि गुलदावदी एक जो है, अब गुलदावदी है क्या एग्जैक्टली, ये एक तरह का उष्णकटिबंधीय पौधा है, ठीक है, किंतु इसे मूल रूप से यूरेशियन क्षेत्र में उगाया गया था। गुलदावदी की कुछ प्रमुख किस्में CSIR 75, आशाकर्ण, पूजा, वसंतिका, माघी, गौरी, गुलाल, कुंदन, जयंती, विजय किरण आदि है इसका जो किस्में हैं। चीनी पैडल फिश की बात की जा रही है। चीनी पैडल फिश क्या है? हाल ही में साइंस ऑफ द टोटल पत्रिका है ये है, इसमें प्रकाशित अध्ययन में ताजे पानी की सबसे बड़ी मछलियों में से एक चीनी पैडल फिश को जो है एक्सटेंट मतलब विलुप्त घोषित कर दिया गया। गौरतलब है कि चीनी पैडल फिश जिसका नाम सेफुरुस ग्लाइडियस है, मछलियों की एक प्रजाति थी जिसकी औसत लंबाई 7 मीटर तक थी, ठीक है। अब यही इसमें है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, उतना ध्यान रखिए। सफ़ेद राइनो, वाइट राइनो की बात की जा रही है। इसमें क्या बताया गया, शोधकर्ताओं ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया का उपयोग करके उत्तरी सफ़ेद राइनो को एक भ्रूण बनाया है, ठीक है। देखिए कितना एडवांस टेक्नोलॉजी है कि उन्होंने एक भ्रूण बना दिया, मतलब एक बच्चा बना दिया, ठीक है। जाते हुए कि वर्तमान में केवल दो उत्तरी सफ़ेद राइनो हैं। गौरतलब है कि हाथी के बाद सफ़ेद राइनो दूसरा सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपाई है। इसके अनुवांशिक रूप से भिन्न दो प्रजातियाँ हैं, उत्तरी सफ़ेद राइनो और दक्षिणी सफ़ेद राइनो मौजूद है, और ये अफ्रीकी महाद्वीप में दो अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। इसको IUCN, दोस्तों IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। ये एक रेड डेटा बुक इशू करता है जिसमें अलग अलग तरह के जो है उसमें डेंजर इन डेंजर, क्रिटिकली इन डेंजर, ये सब जो है कैटेगराइज करके जो है उसमें फोना और फ्लोरा को करता है, ठीक है। मतलब जो पौधे हो गए, एनिमल्स हो गए, तो ये कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए, ये संरक्षण के लिए है, ये प्रोटेक्शन देने के लिए है, ये है IUCN। इसमें जो देखिए, इसमें बताया कि लाल सूची में निकट ग्रस्त नियर थ्रेटन्ड इसमें जो कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। और उप प्रजातियों में सफ़ेद जो राइनो है उसको क्रिटिकली इंडेंजर और सफ़ेद राइनो को निकट मतलब नियर थ्रेटन की कैटेगरी में रखा गया है। अगला है दोस्तों क्लासिकल स्वाइन फीवर, ये क्या होता है? हाल ही में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जिसे इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं ने क्लासिकल स्वाइन फीवर वैक्सीन विकसित की है, ठीक है। जैसा कि क्लासिकल स्वाइन फीवर एक जो है एक संक्रामक बुखार है जो सूअरों के जानलेवा साबित होता है। इसके कारण देश के सूअरों की संख्या में कमी, मतलब ये सूअरों के लिए एक बनाया गया है दोस्तों एक मतलब वैक्सीन है, ठीक है, जिस जो है जो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया है ये वैक्सीन, जिसमें जो है ये संक्रामक बुखार होता है इनके बीच में सूअरों के बीच में उसी को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया, ठीक है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक, टूनाट क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, उन्होंने TB जो ट्यूबरक्लोसिस बीमारी है के निदान के लिए भारत के स्वदेशी उपकरण टूनाट को सार्वजनिक करने की स्वीकृति दी है। टूनाट जो है दोस्तों टूनाट TB टेस्ट का एक नया जो है परीक्षण है जो एक घंटे में TB की जाँच कर सकता है, और साथ ही यह रिफम्पिसिन से उपचार के प्रति प्रतिरोध की भी जांच कर सकता है। रिफम्पिसिन जो है एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग कई प्रकार के जीवाणु संक्रमणों जैसे TB का इलाज करने के लिए किया जाता है। इस उपकरण को गोवा की मोल बायो डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। आगे है दोस्तों जेनोबोट्स, ये क्या है? जेनोबोट्स संयुक्त राज्य अमेरिका जो USA के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला सजीव रोबोट बनाया है जिसका नाम जेनोबोट्स रखा गया है। इस रोबोट का जो निर्माण है नोकदार पंजे वाले अफ्रीकी मेंढक की कोशिकाओं से किया गया है। वैज्ञानिकों ने मेंढक के जो भ्रूण होते हैं बच्चे उससे स्क्रैप की गई जीवित कोशिकाओं को फिर से तैयार किया है और उन्हें पूरी तरह से नया रूप दिया है। गौरतलब है कि इस रोबोट का नाम नाइजीरिया एवं सूडान से दक्षिण अफ्रीका तक के उप सहारा अफ्रीकी क्षेत्र में पाए जाने वाले जली मेंढक की प्रजाति जेनोपस
लाविस के नाम पर रखा गया है। विदित हो कि कृषि युग की शुरुआत से मानव अपने लाभ के लिए जीव जंतुओं के साथ छेड़छाड़ करता रहा है और हाल के वर्षों में जीन एडिटिंग द्वारा कुछ जो कृत्रिम जीवों का निर्माण भी किया है। अतः इस नवीनतम शोध की सफलता इस बात पर आधारित है कि पहली बार स्क्रैप की गई जीवित कोशिकाओं से जैविक मशीनों का निर्माण किया गया है, जिसे जेनोबोट्स कहते हैं। अगला टॉपिक है थ्रू द वॉल रडार। ये क्या है? हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है ISC बेंगलोर जो है के शोधकर्ताओं ने चावल के दाने से भी छोटा थ्रू द वॉल रडार विकसित किया है। गौरतलब है कि इस रडार का जो संपूरक मतलब धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। विदित हो कि एक संपूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर के द्वितीयक वोल्टेज से जुड़े अर्धचालकों का एक समूह होता है। ये अर्धचालक विपरीत व्यवहार में काम करते हैं, ठीक है। इस रडार का उपयोग रक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, परिवहन और कृषि क्षेत्रों में किया जाएगा। पृथ्वी पर सबसे पुराना पदार्थ, वैज्ञानिकों ने मर्चिसन उल्कापिंड जो है सिलिकन कार्बाइड 4.67 बिलियन साल पुराने पेरिसोलर कण खोजे हैं, ठीक है। इसमें ये बताया कि मर्चिसन उल्कापिंड वर्ष 1969 में ऑस्ट्रेलिया में गिरा था। ज्यादातर ये जो सिलिकन कार्बाइड के पेरिसोलर ग्रेन अब तक के मिले सबसे पुराने ठोस पदार्थ हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, इसमें और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट तो है नहीं। यारबूबा क्रेटर, ये क्या है? हाल ही में भूवैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे पुराने क्षुद्र ग्रह क्रेटर यारबूबा की खोज की है, जिससे पृथ्वी के हिमयुग से बाहर निकलने से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सकती है। यारबूबा क्षेत्र की सतह की जांच के बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि एक क्षुद्र ग्रह लगभग 2.2 बिलियन वर्ष पहले पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के यारबूबा में टकराया था, जो इस युग में एक गर्म घटना के लिए जिम्मेदार हो सकती है, जिससे पृथ्वी जैसे ग्रह हिमयुग से बाहर निकल पाए। यारा वायरस क्या है इसमें? यारा वायरस हाल ही में जो है शोधकर्ताओं ने ब्राज़ील की पंपुल्हा झील में एक वायरस की खोज की है, जिसे उन्होंने इस यारा वायरस का नाम दिया है, ठीक है। इसे यारा वायरस नाम ब्राज़ील की देशज जनजाति जो टूपी गुआरानी है कि पौराणिक कहानियों में मदर ऑफ वाटर्स जिसे यारा कहा जाता है की याद में दिया गया है। यारा वायरस एक छोटे प्रकार का कारण ये अन्य वायरस से अलग है। यह अमीबा को संक्रमित करता है। ये जो अमीबा होते हैं ना सी वगैरह में, उनको जो है इनको संक्रमित करता है। और इसमें ऐसे जीन होते हैं जिसका उल्लेख पहले नहीं किया गया है। शोधकर्ताओं ने आनुवंशिक विश्लेषण के लिए मानक प्रोटोकॉल का उपयोग करने तथा किसी भी क्लासिकल वायरल जीन्स की खोजने में असमर्थ होने के बाद ये बताया कि यारा वायरस के जीनोम के 90% से अधिक हिस्से तक को इसके पहले नहीं देखा गया है। शोधकर्ताओं के अनुसार इस वायरस से मानव को खतरा होने के संकेत नहीं मिले हैं, ठीक है। गोल्डी लॉक जोन क्या है, इसके बारे में क्या बताया गया है? गोल्डी लॉक जोन जो है किसी तारे के इर्द गिर्द स्थित ऐसा निवास योग्य क्षेत्र है जहाँ तक तापमान किसी ग्रह पर जल के तरल अवस्था में रहने हेतु उपयुक्त होता है, यानी न ज़्यादा शीतल और न अधिक गर्म। मतलब बहुत ठंडा भी नहीं रहेगा, ना बहुत गर्म रहता है, ठीक है। ये तारे के इर्द गिर्द घूमने वाला जो है निवास क्षेत्र है, उसे गोल्डी लॉक जोन कहते हैं। पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में जल जीव तथा जीवन की विभिन्न संभावनाएं मौजूद हैं, परंतु हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रहों पर जल तथा जीवन का पता लगाना शेष है। जैसा कि विदित है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन प्रारंभ हुआ, अतः किसी और सौरमंडल के तारे के निवास क्षेत्र में स्थित पथरीले वायुग्रह जो है एक्सप्लेनेट पर अज्ञात जीवन के मिलने की संभावना ज़्यादा प्रबल होती है। वैज्ञानिकों ने 3 जनवरी 2020 को TOI 700D नामक एक बड़ा ग्रह की खोज की है, जो अपने तारे के इर्द गिर्द स्थित निवास योग्य क्षेत्र जो हैबिटेट जोन होता है उसकी परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि अगला टॉपिक है दोस्तों हेनगुआ साल्मी निकोला। ये क्या है? मनुष्यों अन्य दूसरे जीवों को जिंदा रहने तथा विभिन्न क्रियाकलापों का संचालन करने हेतु
ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिकतर जीव जो होता है वो वायु श्वसन जिसे एरोबिक रिस्पायरेशन की रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा को शरीर की कोशिकाओं तक स्थानीय मतलब ट्रांसफ़र किया जाता है। इसराइल की जो तेल अबीब के वैज्ञानिक मतलब एक जगह है तेल अबीब इसराइल में, वहाँ के वैज्ञानिकों ने वर्ष 2020 के फरवरी माह में एक ऐसे परजीवी की खोज करने का दावा किया है जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है। ठीक है, जेलीफिश प्रजाति से संबंध यह सूक्ष्म जीव परजीवी है। इसको हेनीगुआ सेल्मिनिकोला ऑक्सीजन विहीन जो मतलब हेनीगुआ सेल्मिनिकोला नाम दिया गया है, जो ऑक्सीजन विहीन वातावरण में एक सैलमान मछली के मांसपेशियों में निवास करता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए, इसमें तेल अवीव विश्वविद्यालय इसराइल में है, जो जीव विज्ञान स्कूल के शोधकर्ताओं ने इस प्राणी के जीनोम की मैपिंग यह ज्ञात करने हेतु की कि यह प्राणी किसी प्रकार से ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहता है। जो अपने शोध में उन्हें यह पता चला कि इस परजीवी की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नामक कोशिकांग नहीं होता है। ठीक है, आगे इसमें अगला टॉपिक है भारत की पहली वैश्विक विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री जो है उनके द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में भारत की पहली वैश्विक मेगा विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान समागम का उद्घाटन किया गया। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। अगला क्या है, मिनी मून। मिनी मून क्या है, हाल ही में खगोलविदों ने पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रही एक छोटी सी वस्तु का पता लगाया है, जिसे वे पृथ्वी के दूसरे चंद्रमा या मिनी मून की संज्ञा दे रहे हैं। इस छोटे से आकार की वस्तु जिसको 2020 CD या मिनी मून नाम दिया गया है, की खोज अरिजोना में नासा द्वारा जो है वित्त पोषित फाइनेंस मतलब वित्त पोषित जिसे सेल्फ फाइनेंस कहते हैं कैटालिना आकाश की आकाशीय सर्वेक्षण कैटालिना स्काई सर्वे में दो खगोल शास्त्रियों जिनका एक जिनको जिनका नाम कैपर वेयरसोज और टेडी प्रमोन जो है उनके द्वारा खोजी गई है की गई है। ठीक है, मिनीमून के नाम से प्रचलित जो आकाशीय पिंड है इसका आकार एक कार के बराबर है। इसका व्यास 1.9 से 3.5 मीटर के बराबर है। ठीक है, पृथ्वी की स्थायी चंद्रमा जो है उपग्रह की अपेक्षा यह मिनी मून एक अस्थायी उपग्रह है। बस इतना ध्यान रखिए, शोधकर्ताओं के मुताबिक इस 2020 CD3 मिनी मून को सर्वप्रथम 2017 में पृथ्वी की कक्षा में कैप्चर किया गया था। डीआरडीओ यंग साइंटिस्ट लैब्स, अभी लैब्स की बात की जा रही है DRDO द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो 2020 को प्रधानमंत्री जी द्वारा कर्नाटक के बेंगलुरु में DRDO के एक कार्यक्रम में DRDO यंग साइंटिस्ट लैब लॉन्च किया गया। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये कर्नाटक के बेंगलुरु में जो DRDO है वहाँ के प्रोग्राम में वहाँ के कार्यक्रम में जो है यंग साइंटिस्ट लैब लॉन्च किया गया। वर्ष 2019 में 5 यंग साइंटिस्ट लैब देश भर में स्थापित किया गया है, जो कौन कौन से हैं। पहला DYSL बेंगलोर, क्वांटम टेक्निक के ऊपर है मुंबई में DYSL, कॉग्निटिव टेक्निक के ऊपर है चेन्नई में। ठीक है, तकनीक के ऊपर एसीमेट्री तकनीक DYSL कोलकाता, स्मार्ट मटेरियल्स DYSL हैदराबाद। एक पोर्टल है दोस्तों, संतुष्ट पोर्टल, ये क्या है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जिसे क्या कहते हैं मिनिस्टर ऑफ लेबर, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसके द्वारा जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में श्रमिकों तथा कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक पोर्टल की शुरुआत जिसका नाम दिया संतुष्ट। इसका उद्देश्य जो है दोस्तों जमीनी स्तर पर जो लेबर जो श्रम कानूनों का जो क्रियान्वयन को है उसको सुनिश्चित कराना है। ठीक है, अगला है डेथ कैप मशरूम। ये मशरूम जो खाते हैं अब, लेकिन ये ऐसा मशरूम है जिसके खाने के बाद इंसान डेथ हो जाता है। ये कहा मेघालय राजधानी में जो है एक ऐसा मशरूम पाया गया जिसका नाम अमानिता फेलोइट्स नामक जो है ये जहरीला मशरूम पाया जाता है, जिसे आमतौर पर डेथ कैप मशरूम भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों डेथ कैप किसको कहते हैं, तो मशरूम को कहते हैं डेथ कैप नाम दिया गया मशरूम। अभी हाल ही में डेथ कैप मशरूम के सेवन से मेघालय की अभी हाल ही में दोस्तों जो मशरूम के सेवन से मेघालय के जो पश्चिम जयंतिया हिल्स है वहाँ पे जिले के सुदूर गांव में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, जिसमें ये बताया कि राज्य स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अमानिता केरोइट्स नामक जो जंगली मशरूम के सेवन से जो है मनुष्य का यकृत जो होता है ये वह अंग जो है सीधे तौर पर दुष्प्रभावित या क्षतिग्रस्त हो जाता है।
जहरीला मशरूम को खाने के बाद उल्टी, सिर दर्द और बेहोशी जैसे लक्षण सामने आते हैं। रोबो आर्मी क्या है? भारतीय स्थल सेना ने कश्मीर घाटी में आतंक का सफाया करने के मकसद से रोबो आर्मी की तैनात करने का फैसला लिया है। यह रोबो आर्मी न केवल आतंकियों को ठिकानों के प्रवेश करके उन्हें सही स्थिति का पता लगाने में सक्षम होगी, बल्कि उसे तबाह करने में सक्षम होगी। दरअसल ये रोबोटिक आर्मी दोस्तों एक मतलब रोबोट जो रक्षा मंत्रालय ने पहले चरण में अंतर्गत जो 550 रोबोटिक सर्विलेंस इकाइयों को क्रय करने का निर्णय लिया है। मतलब ये रोबोट है जो विशेषकर रोबोट मिशन के अभियान जो अभियान के दौरान किसी आतंकी ठिकाने या आवास में घुसकर वहाँ की गतिविधियों का जायजा लेने में सक्षम होने के साथ साथ वीडियोग्राफी के माध्यम से भी आतंकियों की सही स्थिति का पता लगा सकती है। तो भारतीय थल सेना ने इसको जो है मतलब कश्मीर घाटी में आतंक सफाई करने के मकसद से रोबो आर्मी को तैनात किया है वहाँ पर, ठीक है, तैनात करने का फैसला लिया है। आगे देखते हैं इसी में सुपर कैम। सुपर कैम क्या है दोस्तों? सुपर कैम दरअसल मंगल ग्रह का एक मिशन है 2020 पर नासा द्वारा भेजे जाने वाले जो रोवर मिशन में शामिल एक रोबोट है, ठीक है। सुपर कैम एक रोबोट है जो मंगल ग्रह मिशन 2020 पर नासा द्वारा भेजा जाएगा, रोवर मिशन उसका नाम है, जो दूर संवेदी 7 उपकरणों के समूह का एक हिस्सा है। यह रोबोट लेज़र किरणों के द्वारा मंगल ग्रह की सतह पर बिखरी चट्टानों और मिट्टी के नमूनों की जांच एक कैमरे, दो लेज़र गन तथा स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से करेगा। यह रोबोट मंगल ग्रह पर प्राचीन समय के सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति का पता लगाने में सहायक उन जैविक चिन्हों का इन चट्टानों तथा मिट्टी के निहित जो जैविक यौगिकों के आधार पर चिन्हित करने में मदद करेगा। सुपर कैम जो नामक ये रोबोट है दोस्तों, इसका जो निर्माण और विकास दोस्तों लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी के द्वारा जो है किया गया है। लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी फ्रांस की खगोल भौतिकी एवं खनिज विज्ञान संस्थान जिसे IRIP कहते हैं, फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES तथा हवाई विश्वविद्यालय एवं स्पेन की वैलाडोलिड विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जा रहा है, ठीक है। काफ़ी लोग शामिल हैं इसमें। मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले रोवर का नाम क्यूरियासिटी जो है वह रोवर पर आधारित है। अप्रैल 2018 में जो ठीक है, जैसे कि सुपर कैम जो है ये कि जम्बली तथा परीक्षण का अंतिम चरण पूरा हो चुका है 2018 में, तथा प्लेटिनम की शक्ति से संचालित होने वाले इस रोवर को 17 जुलाई 2020 को अमेरिका के केप कैनावरल के जो अमेरिकन कैनावरल फ्लोरिडा में है, अभी आपको बताया ना, वहाँ से जो है इसको अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा, भेजा जाएगा। मतलब पोर्टेबल वेंटिलेटर प्राणवायु क्या है? इसमें ये बताया गया है कि IIT रुड़की ने एक बेहद कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर जिसे प्राणवायु नाम दिया गया है विकसित करने की सफलता हासिल की है। प्राणवायु का विशेष रूप से कोरोना महामारी के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह वेंटिलेटर में एक ऐसी व्यवस्था जो प्रति मिनट श्वास को जो है नियंत्रित कर सकती है, ठीक है, कंट्रोल कर सकती है। वर्मीमेट क्या होता है? अप्रैल 2020 में राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान जिसे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया कहा जाता है, NIF ने पशुओं में कृमि उपचार हेतु रासायनिक विकल्प के रूप में वाणिज्यिक जिसे कॉमर्शियल के रूप में उत्पादित स्वदेशी दवा वर्मीमेट को प्रस्तुत किया। वर्मीमेट दरअसल दोस्तों पशु के उपचार के लिए, मतलब पशुओं में जो एक कृमि उपचार हेतु जो रासायनिक विकल्प के रूप में इसको बनाया गया है, जो कॉमर्शियल रूप से इसको उत्पादित स्वदेशी दवा जो है इसका नाम वर्मीमेट दिया गया, ठीक है, जिसको जो है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही आज जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन भी कंप्लीट होता है 2020 का करंट अफेयर, और अगला हम शुरू करेंगे पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी परीक्षा मंथन की जो करंट अफेयर सीरीज चलाई जा रही है। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्प्लीट हो गया। अगर आप पिछली वीडियोज़ को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जा देख सकते हैं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और अगर आप टेलीग्राम से भी जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों इसको देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।